अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं मोना आलम। इकोनॉमिक से ज्यादा सोशो इकोनॉमिक टर्म्स में हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है वो रहा है टैक्सेशन निजाम को रेक्टिफाई करना, इसकी रेक्टिफिकेशन, इसकी दुरुस्तगी। डेकेड लॉन्ग कोशिशों के बावजूद भी, बहुत सारे इकदाम और इंसेंटिव के बाद भी, हम यही देख रहे हैं कि ये मसला अपनी जगह इंटैक्ट है। लूप होल्स और लैप्सेस भी अपनी जगह इंटैक्ट है। इसके कॉन्सिक्वेंसेज काफी खतरनाक सामने आते हैं और सोशलिज्म को जन्म देने का ये एक बड़ा अहम बायस है। हमारी ग्रे इकोनॉमी अभी भी अनडॉक्यूमेंटेड है, जिसे बार बार हम लोग डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करते हैं, और इसके जो रिपरकशन हैं वो भी बड़े संगीन नौयत के हैं। तमाम सेक्टर्स इवनली टैक्स नहीं हो पाते हैं, और ये गिला जो टैक्स सेक्टर्स हैं बार बार उनकी तरफ से उठाया जाता है, जो कि काफी वाजिब भी है, अपनी जगह पर इंटैक्ट भी है। टैक्स बेस नहीं बढ़ पा रही है, टैक्स बेस को हम लोग ब्रॉड नहीं कर पा रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं बार बार वो ओवरबर्डन फील करते हैं। इनडायरेक्ट भी जो हमारे टैक्सेशन रिजीम है उससे भी हम छुटकारा नहीं हासिल कर पा रहे हैं। और एक नए रीसेंट टर्म्स में अगर बात की जाए तो हमने इकोनॉमिक टेररिज्म, जिस तरह से परवान चढ़ता हुआ देखा है, वो भी मोर और लेस इससे कोरिलेट किया जा सकता है। लिहाजा इस तरह के जब रिपरकशंस हमारे सामने हैं, तो अब हमारे लिए एक वक्त है कि हम इस पर सही तरह से पॉन्डर करें, और पिछले हवाले से जितनी भी पिछली एमनेस्टी स्कीम्स या जितनी भी स्कीम्स पहले जो इंट्रोड्यूस कराई गई है, उनकी जो भी वजूहत रही है जिस वजह से वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाई है, उसके ऊपर पॉन्डर किया जाए, और उसको अब नई अपनी जो जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं उनमें से उन तमाम मसाइल को, उन लूप होल्स को इराडिकेट कर दिया जाए। हमारे इकोनॉमिक रिव्यूज में भी हम देखते हैं कि ये बात बार बार कही जाती है, इसको सबसे बड़ा चैलेंज माना जाता है। टैक्सेशन निजाम पर सवालिया निशान जो रहते हैं सारे फहरस्त रहते हैं। नेशनल असेंबली में हमने देखा कि टैक्स एमनेस्टी बिल को पास कर दिया गया, और दो अपोजिशन की तरफ से काफी इसमें जो मुखालफत है वो भी हमने देखी। इसको हुकूमत वॉलंट्री टैक्स कंप्लायंस स्कीम भी कह रही है, जो कि ताजिर बिरादरी से तमाम मुशावरत करके ही फाइनलाइज की गई है। हुकूमत का ये व्यू पॉइंट है। इसके तहत अगर बात की जाए कैटेगोरिकली, रुपीज 50 मिलियन के बिलो टर्नओवर्स पर 0.2% एप्लीकेबल होगा, और एडिशनल 0.15% एप्लीकेबल होगा टू रुपीज 100,000, और जहां पर टर्नओवर रुपीज 50 मिलियन से ज्यादा होगा लेकिन रुपीज 250 मिलियन के अंदर होगा या उससे बिलो होगा। इस स्कीम के हवाले से मुख्तलिफ जो व्यू पॉइंट हैं जो सामने आ रहे हैं, जितने भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं, तमाम को आज हम जेरे बहस रखेंगे अपने डिस्कशन के जरिए, अपने पैनलिस्ट के जरिए। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज गुफ्तगू में ये भी फोकस करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड किया जा सकता है, तफरीक को अवॉइड किया जा सकता है इस स्कीम के तहत, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स डिस्करेज ना हो, इस बात का भी ख्याल रखना यकीनन बहुत ही अहम है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंस का हामिल है। और मुल्क की ये नाइन्थ टैक्सेशन स्कीम किस तरह से फेलियर से बच सकती है और अपने जितने भी अहदाफ हैं वो हासिल करने में कामयाब रह सकती है। विद मी टुडे ऑन बोर्ड मेरे साथ आज हैं मिस्टर शब्बर जैदी, जो कि टैक्सेशन एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं टैक्सेशन के हवाले से, उनसे बात रहेगी। इंडिपेंडेंट उनका व्यू हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। मिस्टर अतीक मीर इज ऑल्सो विद अस, चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद। मिस्टर जकरिया उस्मान भी हमारे साथ हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं आप फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एट ऑल, मिस्टर एम ए जब्बार हमारे साथ हैं, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं एंड ऑल्सो फॉर्मर चेयरमैन सोसाइटी एसोसिएशन। फोन लाइन पर हम हुकूमती व्यू पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे, उनका रेशन एयर जानने की कोशिश करेंगे। मिस्टर अशफाक फुल्ला हमारे साथ होंगे, जो कि पॉलिसी मेकर हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से उनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया तमाम जेंटलमैन का, तमाम हजरात का हमारे साथ शिरकत के लिए। सबसे पहले शब्बर साहब, लेट्स बिगिन विद यू। आप बताइएगा, टैक्स का जो हदफ है बार बार हम उसे मिस करते हैं। इस दफा हमने देखा कि जो रिव्यूज भी हमारे सामने आए उसमें कहा गया कि टैक्सेशन, टैक्स के हवाले से जो हमने अपने अहदाफ रखे हुए थे वो हमने काफी हद तक सक्सेसफुली अचीव किए। आपको लगता है एमनेस्टी और इस तरह की जितनी भी अब स्कीम्स जो कि अब सामने आएंगी मददगार रहेंगी हमारे अहदाफ हासिल करने में? देखिए शायद आज का प्रोग्राम हमारा लिमिटेड है टैक्स एमनेस्टी स्कीम के रेफरेंस के बाद हम करते हैं। तो पहली बात तो ये कि मेरे हिसाब से, मैं जो थोड़ी बहुत कानूनी इसकी शक्ल देखता हूँ, ये एमनेस्टी स्कीम नहीं है। मैं इसको एमनेस्टी नहीं कहूंगा, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि एमनेस्टी स्कीम नहीं है। इसको आप रेगुलराइजेशन कह लें या एक सॉर्ट ऑफ वॉलंट्री कंप्लायंस कह लें, मगर इसमें एमनेस्टी का, क्योंकि वो जो एक एमनेस्टी का कॉन्सेप्ट है लॉ में, वो नहीं आता इसके अंदर, और शायद वो इसकी अहदाफ हासिल करने में रुकावट भी हो। ये कमी, इसको मैं कमी कहूंगा, अगर एमनेस्टी नहीं है तो ये जो आने वाले के लिए शायद ये रुकावट भी होती है। ये वो चाहता है कि एमनेस्टी आए तो मैं अपने तमाम चीजों को एक दफा सही कर सकूं। तो ये एक
सुखम रह गया है जो देखना पड़ेगा हमें कि इसका मतलब किसको हम किस तरह हैंडल करेंगे। मैं कमिंग बैक टू, मगर ये स्कीम जब ये आई थी तो पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि अब क्योंकि ये आ चुकी है स्कीम, तो हमें चाहिए कि अब हम इसके इसके आउटकम्स को देखें कि हमें इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं और कैसे इसका हम जहां जो इसमें सुखम है वो कम खत्म कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा ये है। देखिए इसकी जो मैं समझाऊं, इसकी जो बैकग्राउंड है स्कीम की वो दो है। एक इसका बैकग्राउंड ये है कि जो 0.6% का आप टैक्स लगाया था, बैंकिंग ट्रांजेक्शन पर लगाया था, उस बैंकिंग ट्रांजेक्शन के टैक्स ने पाकिस्तान में कुछ चीजों को वाजे किया है जो पहले वाजे नहीं थी। वाजे ये किया है कि ऐसे बहुत से बेनामी बैंक अकाउंट हैं जो पाकिस्तान में लोगों के हैं, जो फाइलर भी हैं और नॉन फाइलर भी हैं, और वो अकाउंट डिक्लेयर्ड नहीं है। तो जो वो लोग चाहते हैं कि उनको सिस्टम में लाया जाए, तो वो उनकी सोच ठीक है कि वो सिस्टम में आए। और इसमें फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों शामिल हैं, बेनामी अकाउंट है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। और मेरे साथी भाई इसको देखें, वो जो आप समझते हैं वो अच्छा समझते हैं। अब उसमें इसको सिस्टम में लाने का जो प्रोसेस है, ये इसी के इसको मैं रेगुलराइजेशन की बात में कर रहा था कि रेगुलराइजेशन हो रही है उनको लाने के लिए। अब उसको जब रेगुलराइज करने आप जा रहे हैं तो आपने जहां पे आके मैं समझता हूँ वो सोचने वाली बात है कि आपने इसको एक 4 साल पैकेज कैसा दिया है कि ये 2018 तक की स्कीम के लिए वैलिड होगी, जिस जो मेरे हिसाब से सिर्फ 18 का होना उसको सियासी तनाव दे देता है कि जी ये 18 तक तो एक्सपेंडिचर के बाद होगा, तो वो मगर वो एक मगर ये सेकेंडरी इशू है। मगर अब जो आपका बुनियादी सवाल है कि जो आदमी अब मैं इसको उस पर क्रिटिसिज्म अपनी जगह पर मैं बहुत अभी बात कर सकता हूँ। मेरा आप सवाल है कि क्या जो आज स्कीम है, इस स्कीम को जो भी शक्ल में भी आज मौजूद है, क्या ये लोगों को जो लोग नहीं है इस सिस्टम में, क्या वो इसमें आएंगे? पहला सवाल। और दूसरा सवाल है कि क्या वो इसमें आने के बाद अपने सही ऐसे डिक्लेयर करेंगे, सही टर्न ओवर डिक्लेयर करेंगे, सॉरी टर्न वैसे नहीं टर्न ओवर। और तीसरा, कौन सी ऐसी वजूहत है कि वो नहीं आएंगे, क्या हम उस पर कोई काम कर रहे हैं? अगर नहीं आए तो क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सोने का नवाला भी दे दें तो भी नहीं आएंगे। हमने लास्ट टाइम वो कैरेट एंड स्टिक वाले मैं कह रहा हूँ आप उसको सोने का नवाला दे दें कि साहब ये सोने का नवाला है, ये आप ले लें, फिर भी कुछ ऐसी वजूहत हैं माशी सिस्टम में कि वो उसमें भी नहीं आएंगे। मैं उसको थोड़ा सा वादे कर देता हूँ कि जो आदमी स्मगल्ड गुड बेच रहे हैं, जो आदमी अफगान ट्रांसफी गुड बेच रहे हैं, जो आदमी जाली गुड बेच रहे हैं, जो आदमी वो गुड बेच रहा है जो कि अंडर एडवाइस होके आई है, उसकी वो टर्न ओवर कैसे दिखाएगा, मुझे ये समझा दें। ठीक है। और हम सब जानते हैं कि ये बाजार का पाकिस्तान के इन चीजों से भरे हुए हैं। तो आपने एक 60 साल का मलबा इकट्ठा किया है, अब इस मलबे को आहिस्ता आहिस्ता साफ करना पड़ेगा। मेरा ये पर्सनल व्यू है कि ये स्कीम आई है अभी, इसमें इसको ये एक आप इसको बेसिक ड्राफ्ट समझें, और इसको बेसिक ड्राफ्ट समझ के अभी इसकी जो तराश कराश करनी पड़ेगी। क्या मैं ये डिड्यूस कर सकती हूँ कि स्टार्ट ऑफ के लिए ये ठीक है? स्टार्ट ऑफ के लिए ठीक तो नहीं, मतलब ये कह सकते हैं हाँ जी एक दरवाजा आपने खोला है, मगर मैं तो ये बात कर रहे हैं कि मेरी टर्न ओवर डिक्लेयर हो जाएगी। ठीक है, मैं इनकी बात नहीं कर सकती, स्कीम ये कह रही टर्न ओवर डिक्लेयर हो जाएगी। भाई वो जो परचेजर है किस चीज की टर्न ओवर, वो आइटम जो है वो टर्न ओवर में डिक्लेयर नहीं है उसका, वो जो अंडर एडवाइस प्रोडक्ट आ रही है, वो स्मगल प्रोडक्ट आ रही है, वो भी तो साथ साथ करना पड़ेगा, वो ये डबल एज सॉर्ड है। तो ये मैं तो इसको आप कह रहे हैं 4 साल प्लान, मैं 10 साल प्लान बनाने को तैयार हूँ, 10 साल प्लान बनाए मगर प्लान पूरा करें। और दूसरी जो बुनियादी, अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि जी आज अगर मैं इकोनॉमिक साइड से गवर्नमेंट कह रही है कि ये आदमी आज 0 दे रहे हैं,
जीरो दे रहा है तो ये कुछ देगा, कुछ तो होगा, कुछ देगा, कुछ देगा, मगर मैं जो कह रहा हूँ जो कुछ है ना, जो कुछ तो गवर्नमेंट ने कुछ लगाया है वो मेरे माशी हिसाब से इररिलेवेंट है। अगर ये कुछ जो है ना, ये कितना ये जीरो बताएंगे मेरे हिसाब से, वो कुछ अगर से 50 बिलियन है, 50 से 50 बिलियन है टर्नओवर की बात कर रहे हैं, नहीं टोटल टैक्स कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन जो जो टैक्स कलेक्शन आएगी स्कीम में वो अगर से 50 बिलियन है, ठीक है, तो 50 बिलियन 3500 बिलियन की टर्नओवर के लिए रेलेवेंट नहीं है। पाकिस्तान का 3500 बिलियन का पेट्रोल बजट। तीसरी बात जो है कि जो स्कीम आप लाए हैं, मैं अब इसका बिल्कुल दूसरा नजरिया रख सकता हूँ, ये जो स्कीम आप लाए हैं इसमें आप कह रहे हैं कि 2250 मिलियन के टर्नओवर पर आप जो टैक्स देंगे वो 4 लाख रुपये होगा। अगर आप ये ज्यूम कर लें लोअर रेट 5% है टेक्स प्रॉफिट, अगर मेरा एज्यूम करता हूँ, मुझे नहीं पता हो सकता है बाजार 1% हो बाजार 20% हो, तो अगर मेरा एवरेज रेट 5% प्रॉफिट का बनता है तो ये रेट बनता है 3%। तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं एज ए प्रोफेशनल या मैं दूंगा टैक्स 30% पर और काजल जो आपका लड़ना है वो देगा 3%, ये नहीं हो सकता। ये डिस्ट्रीब्यूशन पे उड़ जाएगा आर्टिकल 21 में, राइट। मैं अभी भी समझता हूँ कि स्कीम का आपने खतोखाल प्रेजेंट कर दिया है, आप बैठे और ये जो है ना, जिस तरह अगेन आई एम सेइंग जो टैक्स रिफॉर्म होती है ना जी, और जो टैक्स की स्कीमें आती हैं वो नेगोशिएशन से कभी नहीं आती। पाकिस्तान में टैक्स की रिफॉर्म के मैकेनिज्म गलत हैं। एक टारगेट बैठा हुआ है सामने और एक बैठा हुआ और नेगोशिएट हो रही है, ये सौदेबाजी होती है, सौदेबाजी पे रिफॉर्म ही होती है। रिफॉर्म के लिए इकोनॉमिक और सोशल और अंडरलाइन कंडीशन में डिस्कशन होती है। अभी भी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आज बैठे बैठे जिंदगी गुजारी इन्होंने सिस्टम में बैठे और इसको 20 साल प्लान दे दें, 20 साल प्लान ये है, ये जो है ना ये वाला लोग ये मान रहे हैं कल वो प्रेसिडेंट है वो चला गया दूसरा आ रहा है, इस तरह नहीं होता। ये आपकी गवर्नमेंट है, कल आपकी गवर्नमेंट चली जाएगी, कल हो सकता है हमारी गवर्नमेंट हो, कल उनकी गवर्नमेंट हो, किसी की गवर्नमेंट भी आ सकती है। तो वो इन चीजों को आप एक ब्रॉडर परस्पेक्टिव में देखें, पाकिस्तान के ब्रॉडर परस्पेक्टिव में देखें कि पाकिस्तान तो हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। तो आज मैं शुरू हुआ हूँ क्योंकि मुझे किसी ने मिनिस्टर में इंटरव्यू में था, मिनिस्टर मफ्ता के साथ, उन्होंने कहा ये इकोनॉमी फॉर फ्यूचर है। तो मैंने कहा ये इकोनॉमी फॉर फ्यूचर है बिल्कुल ठीक है, बट इकोनॉमी फॉर फ्यूचर के फ्यूचर से आपकी इलेक्शन की अठारह तक है, फ्यूचर तो उसके आगे भी है ना, तो उसको आगे लेके चले और इस पे इस पर सिर्फ इस स्कीम पर मेरा जरूर है इस स्कीम पे कमीशन बैठाए और देखें इनको बैठाएं इन लोगों को बैठाएं और जो उसके सुखों में बहुत दूर करें अगर है तो अगर आप ले आए तो जो आप ले आए तो ये तो और देखिए वो तो और भी बड़ा हुआ कि आपने एक चीज लाए और वो फेल हुई। मैं इसको इस टाइम में कहता हूँ कि देखिए हमें किसी भी चीज को किसी पर्टिकुलर जांच पर लेट नहीं करना चाहिए कि ये नवाज शरीफ का है, ये मुशर्रफ साहब का है, ये जो कुछ आप ये पाकिस्तान का कानून है, अब इसको कानून को ठीक होना है, गलत कानून है तो स्टार्ट करें और अच्छा कानून है तो इसको इम्प्रूव करें। राइट, वेल सेड। जो बातें हैं मैं पहले समझ तो आ गई है कि किस तरह से उसको समराइज करना है और जो सवालात इस वक्त पुट अप किए गए हैं कोशिश ये रहेगी कि डिस्कशन के थ्रू उनके जवाब एक्सट्रैक्ट किए जाए। अतीक साहब, ताजिर बिरादरी का क्या व्यू है? आप लोग मेरे ख्याल बहुत खुश हैं, मुतमईन है इस स्कीम से, आप समझ रहे हैं कि बेनामी अकाउंट और डॉक्यूमेंटेशन की तमाम चीजें हो पाएंगी। इसमें कोई शक नहीं कि ये बातें दुरुस्त हैं, लेकिन ये कहना कि इसमें कुछ नहीं है ऐसा नहीं है, गोके इसला तलब है, बहुत कुछ इसमें रिफॉर्म्स की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि जो इस वक्त मौजूदा सिस्टम जो राइज है अगर उसी को लेकर चलें तो देखिए गुज़िश्ता 10 साल में 10 लाख लोग नेट से फरार अख्तियार कर गए, वो इसी स्कीम का शाखसाना है जो इस वक्त राइज है। अब बहुत जरूरी था कि उसमें कुछ तब्दीलियां हों, कुछ इनकलाबी तौर पर उसमें कुछ इजाफी, कुछ एमनेस्टी जिसको ये कहते हैं कि वो नहीं है, लेकिन बहरहाल इसमें नजर आता है कि कल तक लोग अपना सरमाया दिखाने से डरते थे। एक ये बात तो है कि 5 करोड़ तक सरमाया आप ला सकेंगे सर्कल में। इसी तरह देखिए 5-6 सफात का जो इनकम टैक्स गोशवारा था, यकीनन उसे देखकर लोग टैक्स नेट से फरार हो जाते थे, आज वो 1 सफे पर आ गया है। इसी तरह
जो ऑडिट के जो मामलात थे वो फिजिकल ऑडिट में आने के बाद जब इनकम टैक्स में फिजिकल ऑडिट अनाइज हुआ तो उसके बाद लोगों में इश्तियाल पैदा हुआ और उसमें भी लोग सिस्टम से बाहर आ गए। अब 2018 तक कोई ऑडिट नहीं है, इसी तरह कोई क्लेम कोई किसी किस्म का कोई चैलेंजेबल कोई इसमें शिक नहीं है कि सरमाया कहां से आया। दीगर बात यह कि ताजरों का जो अब तक इदारे पर यानी टैक्स सिस्टम पे जो एतमाद तकरीबन खत्म हो चुका है उसे बहाल करने के लिए ये एक नुकता आगाज है। मैं नहीं कहता कि ये मुकम्मल उन चीजों का इदराक करता है जो ताजरों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन फिर भी जिस तरह शबर साहब ने कहा एक नुकता आगाज एक दरवाजा खुला है। मैं कभी भी उन लोगों की हिमायत नहीं करता जो कभी नेट में नहीं थे, अब वो इस सिस्टम के जरिए वो अपना सरमाया वाइड करें और फिर उस वो कारोबार में भी जाए। अच्छा, आपके हिसाब से क्या कमी बेची है इसमें? आप कह रहे हैं कि अभी भी इंटायरली होलिस्टिकली कोई बहुत बिल्कुल वन विंडो ऑपरेशन नहीं है, आपने ये कहा। मैं अब एक बात देखें, अब तक इस किस्म की जो एमनेस्टी स्कीम्स है वो क्यों नाकाम होती है? उसका सबब यह है कि जब भी आप मुकम्मल तौर पर टैक्स पेयर पर रिलाई करते हैं तो लोग नहीं आते, उसमें चेक एंड बैलेंस जरूरी है, क्योंकि इस किस्म की स्कीम्स को वो माफिया नाकाम बनाने की पूरी कोशिश करता है जो टैक्स के इदारों में बैठा है जिसका बहुत बड़ा कारोबार है रिश्वत की सूरत में। इसी तरह टैक्स एडवाइजर्स है, एक बड़ा कारोबार है, उन्हें इसका यकीन असर आता है, वो इसके खिलाफ लोगों को वरगलाते हैं। जबकि इसमें देखें टर्नओवर जो 50 लाख की भी हद खत्म हो गई, इसी तरह वो जो एक इनकम टैक्स में जो शरा मुकर्रर थी हर ट्रेड की डिफरेंट वो भी खत्म हो गई, यानी वो तमाम दीवारें हटा दी गई जो किसी न किसी शक्ल में काबिल एतराज थी। अब इसमें कुछ चीजें जैसे आपने कहा कि इसमें क्या हो, मैं समझता हूँ एक तो चेक एंड बैलेंस हो, दूसरा ये कि ये जो तीन साल में इन्होंने पहले साल में सरमाया वाइड करने का ऑप्शन रखा है, अब वो तीन सालों तक रहना चाहिए। दीगर ये इसलिए कि जब एतमाद पहले साल बहाल होगा दूसरे साल मजीद लोग आएंगे। दूसरा ये कि जो नेट ऑलरेडी सिस्टम में मौजूद है वो ये देख रहे हैं कि जो कभी नेट में थे ही नहीं आपने उनके लिए तो बहुत सारी मुराद दे दी और हम पर वही तलवार लटक रही है पुराने सिस्टम की, लिहाजा उनके लिए भी इस किस्म के इंसेंटिव होने चाहिए, रिलीफ होनी चाहिए। टैक्स के लिए बिल्कुल क्या होना चाहिए, यकीनन सरमाया वाइड करना और उनको भी जो तफ्तीश के जो मराहिल है उनके लिए भी नर्व होने चाहिए, क्योंकि एक पूरा सिस्टम चेंज होना चाहिए कि क्योंकि एतराज तो वहीं से शुरू हुआ था जिसके बाद लोग नेट से बाहर आए, लेकिन वो सिस्टम मौजूद रहे और फिर आप इन फाइनेंस को वापस लाएं तो कल जब ये उसी सिस्टम से टकराव इनका होगा तो यकीनन फिर भाग जाएंगे। इसलिए बेहतर ये है कि उस ढांचे को भी दुरुस्त किया जाए। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो कभी नेट में आए ही नहीं वो टैक्स चोर है, उनके लिए इस किस्म की मुराद नहीं होनी चाहिए। जो लोग दुश्वार सिस्टम से परेशान होकर टैक्स इदारों की जालिमाना प्रैक्टिस का शिकार होकर जो नेट से निकल गए उन्हें वापस लाने के लिए आप जरूर इस किस्म के इंसेंटिव दें, उनके लिए मुराद होनी चाहिए। दीगर सूरत में मैं देख रहा हूँ कि ये सिस्टम भी ये पैकेज भी नाकाम हो जाएगा, इसकी भी चांसेस मुझे कम नजर आते हैं। इसलिए नाकाम होने के चांसेस कम नजर आते हैं, नाकाम होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, राइट। ताजर बिरादरी का भी ये व्यू है कि ये इसके नाकाम होने के चांसेस ज्यादा है, तो अब बहुत ही अशद जरूरत बन चली है कि हम मजीद इसमें प्रोब करें कि क्या मसाइल हैं और क्यों ये नाकाम हो जाएगा, मुनफरद कैसे बनाए स्कीम को। ताजर के साथ बिजनेस कम्युनिटी का व्यू हमने एट वन पॉइंट जब ये नई नई बात हो रही थी टैक्स की और कोई स्कीम इंट्रोड्यूस कराने की तो बिजनेस कम्युनिटी के हमें कुछ मिक्स व्यूज भी नजर आए थे और फेडरेशन का पर्टिकुलरली ये व्यू था कि ये अच्छी स्कीम है। अब फेडरेशन और बिजनेस कम्युनिटी क्या व्यू रखती है, पहले तो व्यू आपका जान। देखिए बात यह है, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ भी दुनिया में टैक्स इम्पोज किए जाते हैं वो उस मुल्क का कल्चर देखा जाता है पहले, तो हमारे यहाँ वो सिस्टम टैक्स कल्चर का बन नहीं पाया आज तक। ब्रॉड बेसिंग की बात तो सब करते हैं, ब्रॉड बेसिंग इज अ वेरी इजी वर्ड टू इम्प्लीमेंट, इट इज नॉट इजी। इशू यह है कि ये एमएसटी पे हम आ जाते हैं, जो इशू है
इशू यह है कि फेडरेशन तो जो कहती है वो तो आपको पता है कि हमारे यहाँ कुछ मुख्तलिफ लोग भी हो जाते हैं, किसी को अच्छी लगती है कि जिसके बेनिफिट में वैसी बात करते हैं, लेकिन एज ओवरऑल अगर आप ये देखें तो ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए ये स्कीम आई है, वो है ताजिर, छोटा ताजिर। अब ये ताजिर का जहां तक मसला है, मुझे आप ये बताएं कि जहां तक मैं समझा हूं कि वो ताजिर जो कैश लिक्विडिटी 5 करोड़ रुपए की डिक्लेयर करेगा और कर सकता है और जो फाइलर नहीं है, मेरा अपना व्यू यह है कि इसका ज्यादा बेनिफिट उसको मिलेगा जो फाइलर है और मुख्तलिफ अकाउंट भी चलाता है, वो उस कैश का एडवांटेज जरूर ले लेगा कि एक्स्ट्रा उसके पास जो लिक्विडिटी होती है और चूंकि हमारे सिस्टम की वजह से बिल्टअप होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मकान लेते हैं 15 करोड़ रुपए का, उसकी रजिस्ट्री 3 करोड़ होती है तो बाकी 11 करोड़ तो कहीं से देना है ना। ये सिस्टम तो गवर्नमेंट ने बनाना है कि वो रजिस्ट्रार का वैल्यू कम कर दे ताकि टैक्स लोग पूरा डिक्लेयर करें, पूरा उसका कॉस्ट करें। तो ये तो ये कहना कि भाई कहां से आता है ये पैसा, चोरी का? ये चोरी का नहीं है, ये मजबूरी का पैसा है जो बहुत से सेक्टर में है। एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट मैं आपको ये बात करूं कि मेरा माल अगर फैसलाबाद जाता है तो वो मुझे एक नंबर में पैसा भेजने को तैयार ही नहीं है, मैं क्या करूं, मैं कहां ले जाऊं ये पैसा, वो 2 नंबर के चेक में जेब में लगे कितने दिन फिरूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसको बिल्कुल जैसे इन्होंने कहा कि शबल भाई ने कि बैठ कर इसके ऊपर फर्दर बात करने की जरूरत है कि इसमें देखें। अभी फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है जो नॉन फाइलर है, उसने 5 करोड़ रुपया डिक्लेयर कर दिया, अब उसके बाद एक गाड़ी भी है, उसके बाद एक घर भी है, उसके बाद बॉन्ड भी है, उसके बाद शेयर भी है और उसके बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो आप मुझे बताएं, अब मुझे ये बताएं कि वो 5 चीजें तो इसमें डिक्लेयर नहीं कर सकता, वो तो कौन सा कानून उसको प्रोटेक्शन देता है कि वो ये चीजें भी अगर 4 साल के बाद भी इनकम टैक्स ये पूछता है आपको कि भाई वो 5 करोड़ तो आपके मान लिए हमने, अब आप मुझे बताएं कि ये चीजें कहां से आ गई, तो क्या वो अपना मकान एक दफा बेचे और फिर उन 5 करोड़ से फिर दोबारा खरीदे? तो ये स्कीम में थोड़े से फॉल्ट्स हैं। बात यह है डॉक्टर साहब से हमने कहा भी था एक दफा कि डॉक्टर साहब देखिए, एक तो आपने देर बहुत कर दी, पूरा साल जाये कर दिया, इसमें साल जाये करने की जरूरत नहीं थी। इसकी पहले कोई स्कीम पहले आ जाती, स्कीम आ जाती है, क्या पैकेज है? अच्छा, सेकेंडली आप ये देखें कि ऑडिट की तो आपने एग्जम्पशन दे दी 111 की और दूसरे कवानीन, ये शबर साहब ज्यादा जानते हैं जो कवानीन जो हम भी इम्प्लीमेंट करते हैं ये बाजों का FBR, तो वो कवानीन से मुझे प्रोटेक्शन कौन देगा? किन कवानीन से? वो एसेट्स अनडिक्लेयर्ड, उसके लिए उसको वो प्रोटेक्शन तो नहीं है। अच्छा, फिर 5 करोड़ से मैं 15 करोड़ का उनको एक टर्नओवर दिखाऊं और मैं फिर उसका 25% दिखाऊं, तो ये एमएसटी जो है मेरा ख्याल एक पर्टिकुलर सेक्टर को दी है। मैं समझता हूँ कि उसको बाकी लोगों को भी इन्वॉल्व कर दें, मार्केट में बहुत पैसा है, अगर लिक्विडिटी बढ़ानी है और ब्रॉड इसमें इम्पोर्टर भी नहीं आता, इसमें सर्विस सेक्टर भी नहीं आता, तो एक पर्टिकुलर के लिए अगर आपने की है ठीक है वो आता है। मेरा अपना ख्याल ये है कि इन चीजों पर जब वो जाएगा अपने लॉयर के पास जाएगा और उसे कहेगा कि मैंने ये डिक्लेयर करना है, आई डोंट थिंक ही विल एडवाइस हिम। वो कहेगा भाई तुम्हारी गाड़ी का क्या करेंगे, तुम्हारे घर का क्या करूंगा मैं ये बताओ, तुम्हारे पास और चीजें हैं उसका क्या करेंगे हम? तो ये सारी चीजें जो है मेरा ख्याल एप्लीकेबल नहीं होगी। और अपना वर्किंग कैपिटल एक दफा वो बढ़ा लेगा तो आप ये मुझे बताएं कि फिर उसका क्या होगा। तो सर ये ख्याल है कि आप ये बताएं कि मुझे 4 साल ऑडिट तो वो दे देगा, उसके बाद जो है ये ऑलरेडी सिस्टम में जो फाइलर है उसके पास भी पैसे जमा है, उसका क्या कसूर है? फिर वो कहेगा मुझे क्यों नहीं देते, मेरा क्या कसूर है? असेंबली के मेंबरों ने कहा तो मिनिस्टर साहब नाराज हो गए, लेकिन जाहिर है उनके पास भी लिक्विडिटी पिछले 10 साल में बहुत हो गई है, सबने डिक्लेयर करना है। तो वो अगर डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे तो फिर असेंबली से आपने देखा कि 1-sided अपने मेजोरिटी पे पास करा लिया, अदरवाइज इट वॉज डिफिकल्ट। तो मेरा ये ख्याल ये है कि जो शबर साहब कहते हैं इसका बेस्ट तरीका ये है, मैंने बजट
इतने बड़े ये शेडो बजट मैंने बना के दिया था, पीएम साहब ने कहा बहुत अच्छा है, एवरीबॉडी से बहुत अच्छा है, डॉक्टर साहब ने कहा नहीं अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, हम कमीशन बना देते हैं, कमीशन बना दिया, टीआरसी बना दी, टीआरसी की रिकमेंडेशन वो खत्म हो गया। चलिए कमीशन बैठना चाहिए, कमीशन इस पे कमीशन बैठे लेकिन सब्जेक्ट टू के तीन महीने में डिसीजन और असलाहत के साथ अनाउंसमेंट होने चाहिए। एक साल और दो साल का खेल नहीं है सिर्फ इस पे, और सिर्फ इस पे, और उसमें एक्सपर्ट्स बैठे, ये नहीं जो आपके करीब है वो बैठ जाए जो रोज आपको दस सलाम करने आता है, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसमें इकोनॉमिक्स की जरूरत है बेसिकली, और पब्लिक के एटीट्यूड को समझता हो, आवाम को समझता हो, यहाँ के कल्चर को, कल्चर को समझता हो। देखे मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो रिश्वत में ज्यादा पैसे दे देते हैं, ऑफिशियली अगर इन पे लगा जाए पैसे तो कम लगते हैं। क्या वजह है इसकी सर? वो हैरेसमेंट से डरते हैं। ये जो नोटिस का सिस्टम है, एक तरफ आप थोड़ा कुछ देते हैं और दूसरी तरफ डंडा दिखाते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। ये प्यार मोहब्बत से इस किस्म की स्कीमें, जैसे उन्होंने कहा चबल भाई ने, कि लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, दस साल की होनी चाहिए, कौमों के लिए सालों की कोई अहमियत नहीं हुआ करती, लेकिन सिस्टम में डालने की जरूरत हुआ करती। और अगर सिस्टम में आप ये टैक्सेशन सिस्टम को नहीं डालेंगे तो इसी तरह से हर पांच साल के बाद चाहे एमएसटी कह दें, चाहे रेगुलराइजेशन कह दें, चाहे वॉलंटियर कह दें, व्हाटएवर यू से, वो आपको लानी पड़ेगी, क्योंकि बल्क मिकदार में पैसा फाइलर और नॉन फाइलर दोनों के पास जमा हो जाता है, और उसका बाहर पैसा जब बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती तो फिर मुल्क से बाहर चला जाता है। ठीक है इंजीनियर साहब, बहुत अच्छी तरह मुझे लूप होल्स मिले हैं, और मेरा ख्याल है लूप होल्स ज्यादा है, ताकि हमें इस चीज को वर्केबल बनाना है कि ये अब जो स्कीम आ रही है ये वर्केबल हो। आपके लिहाज से क्या दरकार है कि ये अब काम कर जाए? देखिए जी, मेरे अपने ख्याल में कि जो एक लफ्ज यहाँ इस्तेमाल किया है कि कल्चरल रेस्पॉन्सेस फॉर ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम में एक कल्चरल रेस्पॉन्सेस की मैचिंग में जो है वो इस किस्म के कोई रिस्पॉन्सेज जिसको हम कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइज किए जाते हैं, या अप्रोच जिसकी आज हम बात कर रहे हैं कि एमनेस्टी, रेगुलराइजेशन, एक लेवल प्लेइंग फील्ड की आपने बात सुनी होगी कि लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, तो पाकिस्तान में ये भी एक हकीकत है कि शब्बर हमारे दोस्त हैं, शब्बर रिप्रेजेंट्स एलएसएम मोस्ट डिफाइंड एंड मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट रिच क्लास ऑफ पीपल, इज अ टेक कंसल्टेंट, मगर उसके अलावा बाकी जो दूसरे लोग हैं हमें मेरा ख्याल है कि उनका भी कुछ ख्याल करना चाहिए। आखिर इस मुल्क में बाकी जो लोग थोड़ी देर के लिए हम कहें कि ये सारी चीजें क्यों शुरू हो रही हैं, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, जब से टेररिज्म एक्टिविटीज के बारे में अमेरिकन्स हैव स्टार्टेड टेकिंग कॉग्निजेंस, वो किस तरीके से बैंकिंग चैनल या दूसरे चैनलों से इस किस्म की चीजों को क्रॉस बॉर्डर किया जा रहा है, तो डेवलपिंग कंट्रीज इन स्पेसिफिक जो IMF वगैरह के साथ रिलेटेड हैं, वहां पे अब मनी लॉन्ड्रिंग भी की भी कंसिडरेशन आ रही है। ही इज अ टैक्स एक्सपर्ट, मनी लॉन्ड्रिंग में अब इनकम टैक्स के लॉज भी आ रहे हैं, उसके अलावा जो है वो और मुख्तलिफ किस्म के कानून, 10 लाख रुपए की यहाँ विड्रॉल होती है तो फंड तौर पर सेंट्रल बैंक पर रिपोर्टिंग होती है, शायद बहुत लोगों को पता नहीं है, फिर अगर उससे ज्यादा होती है तो और भी बहुत कुछ होता है, तो ये सब चीजें जो है वो हमें एक डिक्टेशन के सूरत में मिल रही है, मगर अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल तो खराब है। हम भी इसी टेररिज्म के हवाले से आप देखें जो कराची में जो कुछ हो रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये पैसे जो है मॉपअप होते हैं और ये पैसे स्पॉन्सर किए जाते हैं इस लॉ एंड ऑर्डर की इनस्टेबिलिटी के हवाले से, फैसिलिटेशन। अब हम वापस आए कि क्या ये एमनेस्टी या रेगुलराइजेशन कोई नई चीज है? नहीं, पाकिस्तान में आप देखें कि सबसे बड़ी और सक्सेसफुल स्कीम जो थी वो अयूब खान के जमाने की थी, जिसमें तकरीबन लेस देन 100,000 पीपल रजिस्टर हुए, उस जमाने के GDP के हवाले से एक साइजेबल जो है रेवेन्यू जनरेट हुआ। उसके बाद यहिया खान ने भी इस किस्म की कोई बातें की, उसके बाद इवन जैदे भुट्टो के जमाने में भी जो है एमनेस्टी आई, इवन नवाज शरीफ के जमाने में 1997 में भी आई, मगर इसको जो मेरा ख्याल है कि इस चीज के ऊपर जो काम किया गया है, आई एग्री कि इसमें थोड़ा नहीं बल्कि कुछ ज्यादा इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, जिसपे इनवेरिएबली अतीक भी यही कहते हैं, ये भी यही कहते हैं, ये भी यही कहते हैं। अब हम वापस आए कि इसको जिस तरीके से ओवर प्ले किया गया है कि बैड बेबी कर इसको कर रहे हैं कि दूसरों के साथ क्या हुआ, ऐसा नहीं है। देखिए ये स्कीम जो है वो इतनी नैरो डाउन की गई है, मैं तो कहता हूँ कि इसको और ज्यादा रिलैक्स करें। फॉर एग्जाम्पल ये स्कीम है क्या? ये स्कीम उन ट्रेडर्स के लिए लाई गई है
जैसे इन्होंने बात की कि उसका घर, उसके देश के ऊपर तो प्रॉफिट है, उसके पास और कुछ भी चीजें हैं उसके ऊपर इसके साथ उसको एक्सक्लूड किया गया है कि सिर्फ आप ट्रेडिंग एक्टिविटीज, आप कोई चीज ले रहे हैं और बेच रहे हैं, उसमें और कोई प्रोसेस भी नहीं कर सकते, इवन पैकिंग भी नहीं करें आप, कुछ भी ना करें, तो एक लिमिटेड वे में फिर उसमें और ज्यादा इसकी एक्सक्लूजन की गई है कि अगर आप 6 लाख रुपए और उससे ज्यादा का बिजली का बिल अगर भर रहे हैं तो भी आपको इस स्कीम का एक हिस्सा नहीं बना सकते हैं। ये भी हेल्ड इन अबेंस है, मगर ये भी हकीकत है कि अगर क्रेडिट और डेबिट की मशीनें लगी हुई हैं तो भी आप नहीं कर सकते। और ये भी एक हकीकत है कि इस टर्म को जो ट्रेडिंग का डिफाइन किया गया है इसको इतना स्ट्रिक्ट रखा गया है कि मेरे अपने ख्याल में ये सुकड़ कर इस सर्विस सेक्टर में इसको 58.8 14 और 15 मिलियन फिगर्स हमारे आए थे, एक बहुत बड़ा छोटा हिस्सा है, दो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से डबल डिजिट है, अदरवाइज इसका सिंगल डिजिट। तो इसमें जो है वो कोशिश की गई है कि इसको किसी तरीके से एक जो बात अगेन एग्री का एक दरवाजा है कि इस दरवाजे से आस्ते आस्ते एक छोटे से ग्रुप को जो है वो उसको किसी तरीके से लाया जाए, होलिस्टिक अप्रोच इसमें नजर आ रही है। आप भी ये कह रहे हैं, मैं सर ये सारे सवाल जमा हो गए, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी। मिस्टर अशफाक सोला हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, पॉलिसी मेकर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, उनसे जानते हैं इन तमाम सवाल के जवाब जो कि हमारे पास अब इस वक्त इस डिस्कशन के बाद फाइल अप हो गए। अस्सलाम वालेकुम अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। अस्सलाम वालेकुम अशफाक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आवाज। जी सर, आज हम लोग बात कर रहे हैं टैक्स एमनेस्टी या ये जो स्कीम है रेगुलराइजेशन के हवाले से, इसके बारे में गुफ्तगु है। ये बताइएगा कि ये नवी स्कीम है जो कि इंट्रोड्यूस की जा रही है, मुनफरद कैसे है ये, क्योंकि पिछली जितनी भी स्कीम्स रही है वो फेल हो गई? बिल्कुल बिल्कुल मुनफरद है, और सबसे पहले इसकी इंफरादियत ये है कि ये वॉलंटरी कंप्लायंस है। पहले ये होता था कि जिसने चाह जिसका बिल हुआ उसका रजिस्ट्रेशन कर दें, और पहले इसके पीछे एक राइडर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज अटैच है कि पहले कोई इस किस्म के मेजर नहीं थे कि कोई 0.6%